तुम्हें आदरणीय राधा दीदी जी से निवेदन करता हूँ कि जो दीदी जी का जो अनुभव है दादी जी के साथ हमारे बीच में रखें, ताकि हम उससे लाभ ले लें और हमारा जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में प्राप्त करें। और हमें भी जीवन में अगर सीखना है तो दीदी जी का अनुभवों का आधार से अपने जीवन को महान बनाए। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राधा दीदी जी। ओम शांति। सबके साथ से जुड़ी हुई वो घटना है, बातें हैं, जब दादी जी में अपने जीवन को समर्पित किया था। क्या परिवार ने उनको साथ दिया होगा? समाज ने उनको साथ दिया होगा? जरूर लोगों ने भी, समाज ने भी, संसार ने भी, संबंधों ने भी यही कहा होगा। ऐसे कौन ऐसा होगा? लंबा सफर है, इस सफर में अकेला जीवन कैसे चलेगा? और कुछ नहीं तो कम से कम मरने के बाद आपको कंधा देने वाला कौन? हम बहनों को भी कहते हैं, हमने इन्हीं आंखों से 13 तारीख को देखा, एक दो कंधा देने वाले, 4 कंधे देने वाले वहां नहीं थे, 40,000 कंधे वहां तैयार थे। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व को कंधा देना ये हमारे जन्म जन्मांतर का भाग्य, न जाने कितने जन्मों का पाप हमारा धुल जाएगा ऐसे महान विभूति को कंधा दे करके। प्यारे भाई बहनों, कईयों के मन में जरूर आता होगा, तो अगर बिना शादी के कुंवारी रह करके आप मर जाएंगे तो आपके लिए कौन रोएगा? आपके लिए कौन कंधा देगा? आपके लिए कौन तेरवी मनाएगा? तो देखो, एक प्रभु के आगे समर्पित होने की निशानी, एक को बलिहार जाने की निशानी, एक उस सर्वोच्च शक्ति को अपने दिल में बसाने की निशानी, सिर्फ यहाँ नहीं, जैसे यहाँ सभा लगी है ना, सारे 10,000 हमारे सेवा केंद्र, 137 देशों में सब भाई बहने, सारा ईश्वरीय परिवार उनके भावभीन होकर के अपने श्रद्धा सुमन व्यक्त करे, तो ऐसे मसीहा, ऐसे वो प्रकाश स्तंभ आज भी अपनी ज्ञान की रोशनी बिखेरते हुए हमने अनुभव किया है, आज भी दिल से आप याद करिएगा। उन्होंने भी एक सेवा अर्थ इस 5 तत्वों के शरीर को त्यागा है, इस शरीर को छोड़ने के पीछे भी उनका एक सेवा का भाव रहा है। न जाने बहुत से ऐसे परिवार वाले, बहुत से भाई बहनों के मन में था, हमने दादी जी को इन आंखों से देखा नहीं, पालना नहीं पाया, और रहे वे शिकायत को पूरा करने के लिए आज वल स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप बनकर हर बच्चे के पार, हर दिल की भावना के पास वो पहुंच गई। और लास्ट उन्होंने जाने का दिन भी जो चुना, कौन सा दिन था? सारा संसार शिवमय था, उनकी आवाज भी शिव को याद कर रही थी, हर भक्त आत्मा के मन में शिव के लिए घंटे बजा रहे थे, शिव के दर्शन के प्यासे थे, हर भगवान के बच्चे के मन में उस शिव की याद समाई हुई थी। एक ऐसा दिन, सारा देश तो शिवमय था ही, सारा विश्व भी उस शिव का आह्वान कर रहा था। एक ऐसे दिन पे अपने इस भौतिक शरीर को त्याग करके अव्यक्त आरोहण किया। उस दिन 5 तत्वों को भी मैंने देखा, झूम रहे थे, एक ऐसे महान विभूति हमारी गोद में समा रही है, हमें पावन बनने के लिए हमारे पास आ रही है। तो ऐसे आदरणीय श्रद्धे हम सब के दिल में हम कहेंगे, आज भी उनका अस्तित्व है और सदा ही रहेगी, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। ऐसी महान विभूति का अस्तित्व सदैव हम अनुभव करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। ओम शांति, ओम शांति।